हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 डिफरेंट प्रोडक्ट से आप कैसे एक अच्छा फेस मास्क बना सकते हैं विद इन 5 मिनट्स, एंड इसको आप डेली स्किन केयर रूटीन में भी इंक्लूड कर सकते हैं फॉर ब्राइटनिंग योर स्किन, गिविंग ए वाइटनिंग इफेक्ट एज वेल एज टू गिव अ वेरी गुड रेडियंट ग्लो स्किन। तो ये फेस मास्क 3 प्रोडक्ट से बनता है जो घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो पहले मैंने लिया हुआ है एप्पल साइडर विनेगर, कॉफ़ी एंड ओट मिल्स का पाउडर। तो मास्क के लिए मैं एक स्मॉल स्पून में एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ जो ओनली 1 स्पून रहेगा, और इसके बाद मैं कॉफ़ी लूँगी जो लिक्विड फॉर्म में है। आप चाहे तो नॉर्मल कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें एंड देन थोड़ा टाइम इसको छोड़ दें ताकि जो पाउडर है ओट मिल्क का पाउडर वो एक थिक कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाए, एंड देन इसको फेस में अप्लाई कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर भी मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए, फेस में जितने भी डलनेस है, पिगमेंटेशंस है, जो भी इश्यूज़ है, अनइवन स्किन टोन है, ये फेस मास्क को अप्लाई कर लीजिए। आप टेक्सचर देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुका है, जो हैंड में अप्लाई करने में बेटर रहता है बिकॉज़ ब्रश में थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। तो इसको हैंड में अप्लाई कीजिए, आई एरियाज़ को स्किप कर लीजिए बिकॉज़ ऑलरेडी एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड है जो आईज़ में, अगर आप इनर कॉर्नर तक जाएंगे तो थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन आ सकता है, तो इसीलिए आप आई एरिया को स्किप कर लीजिए। एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड है जो स्किन को एक्सफोलिएट करता है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है और स्किन को सॉफ्टन करता है। कॉफ़ी स्टिमुलेट करता है ब्लड सर्कुलेशंस, एंड ओट मिल जो होता है वो एज एन बाइंडिंग एजेंट काम करता है। इसमें फाइबर भी रहते हैं जो आप एज एन मास्क अप्लाई करते हैं तो स्क्रबिंग इफेक्ट भी होता है और स्किन को एक्सफोलिएट करता है। ओट मिल की जगह आप चाहें तो बेसन भी ले सकते हैं। ओट मिल, आप नॉर्मल ओट मिल लीजिए, कोई भी फ्लेवर्ड मसाला ओट्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये स्किन के लिए यूज़ हो रहा है। तो जैसे ही ड्राई हो जाता है फेस मास्क, आप वाटर स्प्रे कर लीजिए, इसको अच्छे से मसाज कर लीजिए ताकि स्किन स्क्रबिंग इफेक्ट आए एंड एट द सेम टाइम स्किन एक्सफोलिएट हो जाए एंड स्किन में जितने भी हैं पोर्स वो सब ओपन हो जाए एंड आपकी स्किन में जितने भी प्रोडक्ट्स, डर्ट्स, ऑयल है, एक्सेस ऑयल, सारा सब कुछ रिमूव हो जाए। ये डीपली क्लींस करता है आपकी स्किन को एंड एक ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग इफेक्ट देता है। मैं आज आपको रिंस करने से पहले भी एक टॉवल में, ड्राई टॉवल में मैं रिमूव करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं स्किन कितना स्पॉटलेस, ग्लो, रेडियंट, इनफैक्ट शाइन आ रहा है स्किन में। तो ये ज़रूर आप 7 डेज के लिए कीजिए रेगुलरली, एंड जस्ट ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ वेरी गुड रेडियंट ग्लो एंड वाइटनिंग स्किन 7 डेज रेगुलर यूज़ करने से। इसका बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है, हार्डली फ्यू मिनट्स लगते हैं एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। इनफैक्ट विथ नो प्राइस यू कैन सेव, विथ ओनली मिनिमम जो भी किचन में अवेलेबल रहता है उसी से ही हम इसको बना सकते हैं। मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट यूज़ नहीं किया है, सिर्फ विंडो के सामने बैठी हूँ एंड दिस इज़ माई नो फिल्टर स्किन, सो यू कैन सी इट। So see you soon with another video. Till then, stay safe, stay healthy, and take very good care of yourself. Bye-bye.